मलिका का चौंकाने वाला खुलासा मर्डर के बाद इसलिए हिट नहीं हो पाई क्योंकि कुछ एक्टर मेरे। बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस मलिका शेरावत हमेशा से अपने बेबाक राय और किरदार को लेकर चर्चा में रही हैं, लेकिन इस बार वे एक अलग ही मुद्दे पर बयान देकर चर्चा में आई है। दरअसल उन्होंने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे के भारत महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक देश है के मुद्दे पर अपनी राय दी है। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं और लड़कों दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। मलिका ने कहा कि 2004 में आई फिल्म मर्डर में मेरे बोल्ड लुक के बाद मेरे बारे में लोग अपनी राय बनाने लगे। उस रोल के बाद लोग मेरे चरित्र को लेकर सवाल उठाने लगे। मलिका ने कहा कि अगर आप छोटे कपड़े पहनती हैं, ऑन स्क्रीन किस करती हैं, तो आप गिरी हुई महिला हैं। लोग इस बात का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं और यह सब मेरे साथ असल जिंदगी में हुआ है। मलिका ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैं कई फिल्मों से बाहर कर दी गई क्योंकि फिल्म के हीरो मेरे साथ अंतरंग इंटीमेट होना चाहते थे और मैंने यह करने से इनकार कर दिया था। इन एक्टर्स का कहना था कि जब मैं स्क्रीन पर उनके साथ ऐसा कर सकती हूं तो फिर पर्सनल करने में क्या दिक्कत है। मैंने अपनी नक की वजह से कई प्रोजेक्ट्स गंवा दिए। यह दर्शाता है कि हमारे समाज में महिलाएं किन दिक्कतों का सामना कर रही हैं। बता दें कि मलिका शेरावत इन दिनों अपनी वेब सीरीज द स्टोरी को प्रमोट कर रही हैं। मलिका शेरावत का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ है और उनका असली नाम रीमा लांबा है। उन्होंने 2003 में ख्वाहिश फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्म में किसिंग सीन्स की वजह से वे सुर्खियों में आ गई थीं।